तेज भाई जो हमारे पूजा ट्रैवल के मालिक है उसको मुबारकबाद दे रहा हूँ। और बड़ी खुशी आज हो गई, इतने सारे महाराष्ट्र से, गुजरात से जो भी गेस्ट्स आए और कश्मीर का इतने तारीफ कर रहे हैं यहाँ के लोगों का, मैं इनका भी बड़ा मशहूर हूँ और बहुत ही खुश हूँ कि यही लोग हमारे एज ए एम्बेसडर जाके सारे हिंदुस्तान को बताएंगे। जो आज के दिन अगर किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी ख़त्म होनी चाहिए। मैं जहाँ तक इस साल का मसला है, माशाल्लाह बहुत अच्छा टूरिज्म ठीक जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और हमें उम्मीद है आज के दिन में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी साहब, हमारे एल जी साहब मनोज जी पूरे लगे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ जाए। जैसा कि अभी इसने हमारे सचिव जी ने कहा, अब 12 महीने का यहाँ रहेगा सीजन, हम उसी पर उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह वही होगा। साहब, जो एक डेवलपमेंट हुई कि इंटरनेट चल रहा है, मेहमान आते रहे, नॉर्मल सी भी है, इससे कितना पर्यटक और आपको फाइनेंशियल कितना फायदा हुआ इसका? तजमुल साहब, पीस इज द लाइफ। आज के दिन में जम्मू कश्मीर में पीस है, खासकर हमारे वादी में पीस है, यही हमारी इकॉनमी है। पीस इज द इकॉनमी, पीस इज द लाइफ, पीस इज द टूरिज्म, तो माशाल्लाह वही जा रहा है। चाहे साहब, जिस तरह से 2019 के बाद आर्टिकल अप्रोवेशन हुई तो ऑब्वियसली करोड़ों में लोग आ रहे हैं बाहर से, तो कुछ शिकायत रही कि सरकार की जानिब से गिने चुने जो टूरिस्ट स्पॉट से बस महदूद वही तक है, अब बहुत ज्यादा है ये कंपटीशन कश्मीर में, तो किस तरह से ये सारी चीजें देखें? नहीं, देखिए सरकार की कोशिश नहीं रही है, गिने चुने गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम तक की महदूद है। नहीं, ये 70 साल से तो यही 3 डेस्टिनेशन है, हर चीज बनाने में टाइम लगता है, तो गवर्नमेंट ने एक ले लिया है, हम और भी डेस्टिनेशन ले लेंगे, मगर वो प्लान करने करके ही उनको लेना चाहिए, वो भी हमारी गुजारिश है उनसे, इंशाल्लाह रहमान और भी डेस्टिनेशन खुल जाएंगे यहाँ और अच्छे तरीके से खुलने चाहिए। आप कश्मीर आकर आपने क्या पाया और डाटा जो बता रहे जा रहे हैं क्या वो सही है? ये जो बोल रहे मुश्ताक साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कश्मीर का जो टूरिज्म का डाटा है, मैं मेरा कॉन्फिडेंस से, मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कश्मीर जो चलता था उसे 2 साल में काफ़ी अच्छा चल रहा है और आगे बहुत अच्छा नया दौर आ रहा है, क्योंकि वंदे भारत जैसी ट्रेन आ रही है, ट्रेन आएगी बार में और टूरिज्म में इजाफा होगा। और अभी जो बात हुई श्रीनगर गुलमर्ग सोनमर्ग पहलगाम, तो चलता ही था, चलता ही रहेगा, लेकिन हमने लास्ट ईयर से जो ऑपिट कश्मीर कैंपेन करके ये नए डेस्टिनेशन चालू किए है, उसमें लास्ट ईयर बहुत स्ट्रगल करके हमने कम से कम काफ़ी लड़ाई करके बुकिंग बहुत कमाया था, ये साल हमने सीरीज चलाई है और उसमें सारे डेस्टिनेशन सिंतन टॉप है, अचाबल, कोकरनाग, वेरीनाग, गुरेज, कीर भवानी, मानसबल, गुरेज, सॉरी दूध पथरी, युष्मार, ये सारे जगह पर हमने स्टे दिया है और ये हमारे गेस्ट आपके सामने बोले उन्होंने कितना लाइक किया, यहाँ तक कि लोग बोल रहे हैं कि ये जो डेस्टिनेशन पॉपुलर डेस्टिनेशन है सोनमर्ग गुलमर्ग उससे भी ज़्यादा पीसफुल बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन लगे है, क्योंकि ये जो आए मेट्रो से आए, बॉम्बे गुजरात महाराष्ट्र से आए, उनको यहाँ के डेस्टिनेशन बहुत प्यारे लगे, उनको जो शांति और सुकून मिला है शायद फॉरेन के नहीं मिला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ये डेस्टिनेशन बहुत अच्छा चलेगा और पूजा टूर का एक डेडिकेशन है कि हर साल हम ये सीरीज चलाएंगे और लोगों को सेम किचन कैरवान के साथ देंगे, और हमारे सारे जो होटेलियर्स है उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, मीडिया का सपोर्ट भी आपका अच्छा रहा है और ये डेस्टिनेशन को थोड़ा हाईलाइट करने का जरूरत है, खास करके मेरी रिक्वेस्ट है जेके टूरिज्म को कि आपकी ये कंबल ड्यूटी है कि ये डेस्टिनेशन को थोड़ा हाईलाइट करो, उसके पीछे थोड़ा एक्सपेंस करो, एडवर्टाइज करो, तो ये डेस्टिनेशन दुनिया के सारे डेस्टिनेशन को पीछे रखे। गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन बड़ा जरूरी होता है, किस तरह से रहा सर? नहीं, देखिए गवर्नमेंट को अभी बहुत कुछ करना है टूरिज्म के लिए, जैसा कि हमारा सोनमर्ग है, सोनमर्ग में एक गंडोला जिस तरह हमारे गुलमर्ग में है, केबल कार होने की बहुत जरूरी है, पहलगाम में होने की ज़रूरी है, ये चीज़ें उनको करनी चाहिए, मगर वो लगे हैं इसमें, हम बार बार उनके साथ ये बात कर रहे हैं, बाकी सोनमर्ग के हमारे प्रेसिडेंट जो ये हैं ये हर चीज़ वहाँ देख रहे हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से जो भी वहाँ गवर्नमेंट कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, हमारी यही अपील और गुजारिश है गवर्नमेंट से, ईज़ ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस, वो ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट करे, वो किसी प्राइवेट आदमी को वो अपना गंडोला वंडोला दे दे, अगर वो नहीं कर सके तो लोग तो तैयार हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इन्वेस्टर्स यहाँ हैं, कश्मीर में हैं, जम्मू में हैं, सारे कंट्री में हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं वो बाहर से आए, जो यहाँ हो सकता है वो यहाँ करे। सवाल है, 21 जून को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को आना, तो क्या प्रपोजल रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ?
नहीं देखिए, उनका तो अपना एक दौरा है, सपोर्ट्स का दौरा है 21 तारीख का, योगा का। बहुत खुशी की बात है, आज मुझे कोई बोल रहा था 5,000 लोगों के लिए इंतजाम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी शुरू देखेंगे योगा वगैरह, और प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, इसे मुबारक की और क्या बात हो सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू।